तो चलिए दोस्तों, यूपी होमगार्ड एक और बड़ी खबर आप सभी के सामने। जैसा कि आप सभी को पता होगा, यूपी होमगार्ड से रिलेटेड सारी न्यूज़ आप सभी को प्रोवाइड करा रहा हूँ आपके अपने चैनल पब्लिक कैरियर विद विनोद शर्मा पर दोस्तों। तो आप सभी को बता देता हूँ दोस्तों, जैसे कि कुंभ मेला चला हुआ है और दोस्तों लोकसभा चुनाव भी आने वाला है, उसकी वजह से दोस्तों देखते हुए 19,000 सिपाहियों की भर्ती का ऐलान जो दोस्तों कर दिया गया है। डीजी होमगार्ड्स जीएल मीना ने कहा कि आज प्रदेश भर में 90,000 होमगार्ड्स ड्यूटी पर तैनात हैं। शासन की मंशा के अनुरूप पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ जल्द ही और 19,000 होमगार्ड्स की भर्ती की जाएगी। गुरुवार को होमगार्ड्स मुख्यालय में स्थापना दिवस के मौके पर आयोजित समारोह में बोलते हुए श्री मीना ने कहा कि स्थापना वर्ष 1963 में मात्र 2,000 होमगार्ड्स थे। अभी मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव में 12,000 होमगार्ड्स और राजस्थान विधानसभा के चुनाव में 3,000 होमगार्ड्स की तैनाती की गई थी। कुंभ मेले में 10,000 होमगार्ड्स ड्यूटी करेंगे। समारोह स्थल की उच्च कोटि की साज सज्जा के लिए कर्मचारियों की प्रशंसा करते हुए उन्होंने पुरस्कार देने की घोषणा भी की। और दोस्तों उन्होंने बताया कि दिवंगत हुए 37 जवानों को 5-5 लाख रुपए दोस्तों यहां पर दिए जाएंगे। और यह राशि 54 जवानों को भी जल्द दी जाएगी। इसी प्रकार 35 मृतक होमगार्ड्स को भी 3-3 लाख रुपये दिए जाएंगे। तो दोस्तों ये बड़ी घोषणा कर दी गई है और जल्दी ही आपको 19,000 होमगार्ड्स की भर्ती जो है वो देखने के लिए मिल सकती है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।